अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मखंडी हलवा, जो कि सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश है। सबसे पहले हम एक कप सूजी लेंगे और उसके अंदर एक से डेढ़ कप दूध डाल लेंगे। फुल क्रीम मिल्क हम इसमें ऐड कर रहे हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चमचे या किसी भी विस्क की मदद से। ध्यान रहे कि कोई भी इसमें लंप ना रह जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम एक घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ दोस्तों मैं अब आधा कप देसी घी ले रही हूँ, आप चाहें तो इसको एक कप भी ले सकते हैं। इसको एक पैन में ऐड कर रही हूँ। जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट होता है हल्की आंच पे, मैं इसके अंदर एक कप गुड़ बारीक करके ऐड कर रही हूँ। देखिए गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है हल्की आंच पे, बस हमें इसको इतना ही पकाना है। अब यहाँ पे मैं गुड़ और घी के अंदर सोख हुई हुई सूजी ऐड कर रही हूँ। आंच इस वक्त भी बहुत ज़्यादा हल्की है क्योंकि घी और गुड़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है हमें कि आंच हल्की रहे ताकि स्प्लैटर ना हो। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं वुडन स्पून की मदद से सूजी को हल्के हल्के हिलाते हुए घी के साथ और गुड़ के साथ मिक्स कर रही हूँ। आज अभी भी बहुत ज़्यादा हल्की है और इसको इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए मिक्स करना है। यहाँ पर भी अभी भुनाई का अमल चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको भूनती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है, क्योंकि अगर मैं चमचा रोकूँगी तो इसके अंदर गुड़ मौजूद है तो वो जलना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है कि नीचे ये ना लगे। आप भी जब इसको पकाएंगे तो आपको भी इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आधा टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ हलवे में और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों को मेरा हलवा बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा होगा, हालांकि मैंने इसमें आधा कप देसी घी डाला है। आप लोग चाहें तो इसमें एक कप देसी घी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में थोड़ा कम घी इस्तेमाल होता है तो इसलिए मैंने आधा कप डाला है। ये लीजिए मज़ेदार मखंडी हलवा तैयार है। एंजॉय कीजिए और बनाइए अपने घर में, अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।